हेलो दोस्तों, तो आप ये जो प्यारा सा फूल देख रहे हैं, ये है ऑक्सिलिस ट्राइंगुलरिस की फूल, और इनको जो है बटरफ्लाई प्लांट भी कहा जाता है। और इनमें जो है अभी फूल आने के जो है टाइम हो गए हैं। देखिए, गर्मियों में ये बहुत ही अच्छे से जो है घने होते हैं ये प्लांट, और सर्दियों में थोड़े ये डोरमेंस पीरियड में ये चले जाते हैं। तो गर्मी आते ही ये जो है खुद ही निकलने शुरू हो जाते हैं, और ये बल्ब से लग जाते हैं। इनके जो है छोटे छोटे बल्ब्स होते हैं नीचे, अगर आप रिपोर्टिंग करते टाइम कहीं इनके बल्ब्स गिर जाए तो देख लेना आप, वहीं से जो है इनकी ग्रोथ शुरू हो जाती है। तो बल्ब से लगने वाले ये प्लांट हैं, आप इनको निकाल कर जो है, अगर आप नर्सरी से लाते हैं तो आप इनको निकाल कर जो है डिवाइड करके दो तीन जगहों पे आप लगा सकते हैं, अगर आपका प्लांट काफी घना है। और आप इनको अगर घना बनाना चाहते हैं तो आप बड़े कंटेनर में इनके बल्ब्स जो है चारों तरफ आप फैला कर लगाएं। ऐसा करने से भी ये प्लांट काफी जो है घना होता है। मैंने फिलहाल आपको दिखाने के लिए ये छोटा सा एक वेस्ट कंटेनर था मेरे पास, उनको मैं उन्हीं में मैंने इनको लगाया था। तो काफी एक साल पुराना मेरा ये प्लांट है, लास्ट ईयर मैंने इनको ग्रो किया था। तो विंटर्स में काफी हद तक ये जो है ग्रोथ इनकी रुक गई थी, अभी समर आते ही देखिए खुद ही इनमें जो है इनके पत्तों के कलर काफी ब्राइट होने लगे, और इनमें जो है फूल भी जो है बनने लगे, और ये हैंगिंग में बहुत ही प्यारे लगते हैं। आप इनको हैंगिंग बास्केट में लगाएं, अगर आप इन्हें नीचे रखना चाहते हैं तो प्लांट्स के बीच इनको रखें। प्लांट्स के बीच इनको रखने से इनमें जो है मॉइस्चर बनी रहती है, और बहुत ही अच्छे से जो है इनके कलर भी एनहेंस होके जो है हमें दिखाई देते हैं, बहुत ही अट्रैक्ट करते हैं ये सभी गार्डनर्स को ये प्लांट, और मुझे स्पेशली बहुत ही पसंद है, क्योंकि इनमें ज़्यादा जो है केयर की आपको ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आप पानी का ध्यान रखें, ओवर वाटरिंग भी ना करें, और ज़्यादा इनकी मिट्टी सॉइल हो जाती है तो इनके पत्ते जो है ऐसे सिकुड़ से जाते हैं, तो इसीलिए मिट्टी में जो है मॉइस्चर बनाए रखें। तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल प्लांट है, और बहुत ही ज़्यादा घना होने वाले प्लांट है छोटे समय में। तो दोस्तों, आप सभी इनको लगाएं, और मेरी चैनल पे पहली बार आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। यही कहते हुए आपसे विदा लेती हूँ, बाय बाय दोस्तों।